पंजाब में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए जो एडमिशन हो रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोसीजर कंडक्ट किया जा रहा है, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए चार स्टेप्स हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट स्टेप है साइन अप। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी की, ये सारा कुछ फिल करके आपको सबमिट के बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अगर ये मिस हो जाता है तो बाद में आपको तंगी होती है, कि आपने अपना आईडी और पासवर्ड जो भी है वो नोट डाउन करना है, अपनी डायरी में लिख लेना है। जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा उसमें ये आपके दोबारा लॉगिन करने के लिए काम आएगा। सेकंड स्टेप है डिपॉजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। काफी मोड दिए गए हैं डिपॉजिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को। फॉर एग्जांपल सबसे पहले करना क्या है, क्लिकिंग द कैंडिडेट लॉगिन, आपने अपना लॉगिन किया, ऑप्शन अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड एंट्रिंग करेक्ट डिपॉजिट आईडी पासवर्ड जो आपने पीछे नोट डाउन किया है उसके बेस पर आप ये ओपन करोगे। द कैंडिडेट शैल टू एंटर इन द, ये स्टूडेंट एरिया खुल जाएगा। स्टूडेंट एरिया खुलने के बाद इम्पॉर्टेंट लिंक्स एंड बेसिक डिटेल एंटर्ड बाय द कैंडिडेट शैल अपीयर द, अच्छा जो आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फिल की हुई है नेम वगैरह वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, और कैंडिडेट क्लिक करेगा किसको, डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फीस को, उसको क्लिक करने के बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट वन टाइम नॉन रिफंडेबल, एक बार पे कर दी तो वापस नहीं होगी रजिस्ट्रेशन फी। कैसे कैसे हो सकती है, कितने मोड दिए गए हैं, आप फीस कैसे कैसे दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, यूपीआई यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो HDFC बैंक में चलान फिल करके पेमेंट की जा सकती है। जब आप HDFC बैंक में लोकल एरिया में किसी भी इंडिया की बैंक में आप जाके ये करवा सकते हो लास्ट डेट से पहले, तो वो आपको जर्नल आईडी देंगे एक। इसके अलावा आपको दो स्लिप्स दी जाएंगी, एक स्टूडेंट कॉपी होगी, ठीक, एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉपी होगी, एक आप अपने पास रखनी है, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये फीस स्लिप आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बोल्ड करके लिखा भी हुआ है कि अगर आपने अपनी रिसिप्ट को संभाल के रखना है फॉर फर्दर यूज के लिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। थर्ड स्टेप है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब आपने अपनी फोटो, उसका साइज तब बताया जाएगा, थोड़ा लिमिटेड होता है कि अपलोड हो जाए, और सिग्नेचर अपने एक पेज पर करके उसकी फोटो लेके वो अपलोड होनी है। हर हालत में वो अपलोड होगी तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। फोर्थ स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। ये ध्यान से समझ लेना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ बीएड कोर्सेज शैल बी एक्टिवेटेड, बाद में एक्टिवेट की जाएगी, कब, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जितना टाइम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लगता है उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके लिए वो टाइम कम ज्यादा लग सकता है, दैट इज वाई आपको एडवाइस किया जाता है कि आप वेबसाइट जो दी गई है उसको रेगुलरली चेक कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। आप वीडियो में साथ साथ में अपलोड करता रहूंगा, आप ये भी देख सकते हो, खुद भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, जो नॉर्मल टेंडेंसी है हमारी कि ये हमने लास्ट डेट है, तो क्या होता है कि शुरू में कैंडिडेट बहुत कम होगा, तो जब लास्ट डेट होती है तो इतना ज्यादा रश हो जाता है, तो इस रश को कम करने के लिए, यहां पर रश ज्यादा होगा तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, हर बार ऐसे होता है। तो अगर आप समझते हो कि आप समझदार हो तो आपको इस लास्ट टाइम से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम तब नहीं आती।
इसके रिगार्डिंग और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।